हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा। रेसिपीज मैं लेके आता हूँ आपके लिए नई हर बार, जिसे खा के उंगलियां चाटते रह जाते हैं आप बार बार। फिर क्या सोच रहे हैं, चलिए हमारी किचन में हमारे साथ कुछ नया बनाते हैं और सबको अपना फैन बनाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको सिखा रहे हैं एकदम हलवाई जैसे परफेक्ट समोसे आप घर में कैसे बना सकते हैं। आप पूरी वीडियो देखें, हमने आपको एक एक स्टेप बताया है कैसे ये बनते हैं। वैसे ही आप बनाएंगे तो आपके समोसे भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समोसे का डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, इसको हम छान लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे और साथ ही इसमें 4 टेबलस्पून घी डालेंगे। मेल्ट किया हुआ आपने घी लेना है, जमा हुआ नहीं डालना आपने। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। घी हमने इसलिए डाला है कि हमने इसको मोइन करना है, शॉर्टनिंग भी बोलते हैं इसको, जिससे खस्ता बन आएगा समोसे में। एकदम सीक्रेट रेसिपी है ये, हलवाई जैसे बनाते हैं वैसे ही हम आपको सिखा रहे हैं। अच्छे से मिक्स करना है। घी अच्छे से मिक्स हो गया मैदे में, यहाँ आप देख सकते हैं टेक्सचर, आप देख सकते हैं जैसे ब्रेड क्रम होते हैं वैसे ही होना चाहिए। आप इसको इकट्ठा करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे पूरा इकट्ठा हो जाएगा। अब हमने इसका डो गूंदना है। डो भी जो आपने गूंदना है ठंडे पानी से गूंदना है, एकदम चिल्ड पानी होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और हमने टाइट डो गूंदना है, एकदम आप ज़्यादा ना पानी डाल दें। दोस्तों, हमने नया चैनल शुरू किया क्विक रेसिपीज का, अमेजिंग शेफ्स। इसका लिंक ऊपर राइट साइड पे आ रहा होगा, आप चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डो गूंद के तैयार कर लिया है। डो देखिए ऐसा होना चाहिए, आप देख रहे होंगे ना क्रैक्स आ रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए, एकदम स्मूथ नहीं होना चाहिए। अगर एकदम स्मूथ होगा तो आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। और जो हमें डो गूंदने में पानी लगा है वो 1/2 कप भी लगा है, यहाँ आप देख सकते हैं हमने 1 कप लिया था, 1/2 कप पानी लगा है। अब हमने क्या करना है, इसको कवर करना है, एक गीले कपड़े से इसको कवर कर देंगे। कोई भी आप साफ मलमल का कपड़ा ले लें उससे आप कवर कर दें और इसको हमने 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब तक डो रेस्ट हो रहा है तब तक हम मसाला बना लेते हैं समोसे का। 1 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून। ऑयल भी गर्म हो गया है और 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। जिंजर गार्लिक को थोड़ा सा भून लेते हैं, बहुत ही मजेदार ये मसाला बन रहा है समोसे का। 1 मिनट हो गया है अदरक लहसुन को भूनते हुए। अब हमने क्या करना है, इसमें मटर डालने हैं। 1/2 कप के करीब हम मटर ले रहे हैं। मटर को हमने 2 मिनट के लिए बॉईल किया था और साथ ही इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे। 2 हम ग्रीन चिली ले रहे हैं, इसको हमने फाइन चॉप किया हुआ है। मिक्स कर देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की। अब हम इसमें बॉइल्ड आलू डालेंगे। 4 हम आलू ले रहे हैं, हाथ से ही तोड़ के ऐसे डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब ही हमने डाला है ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं।
और ऐसे मैश कर देते हैं कड़छी से। सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें काजू और किशमिश डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दें वरना आप स्किप कर सकते हैं। और साथ ही हरा धनिया डालेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब हम डाल रहे हैं। मिक्स कर देते हैं। बस धनिया भी अच्छे से मिक्स हो गया है। ये मसाला बनके तैयार हो गया समोसे का। इस टाइम फ्लेम ऑफ करते हैं, इसको पूरी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा फिर आगे हम समोसे बनाना शुरू करेंगे। 25 मिनट हो गए हैं डो को रेस्ट करते हुए, ये आप देख सकते हैं। और स्टफिंग भी ठंडी हो गई है समोसे की, ये आप देखिए। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। टोटल 6 हमने पेड़े बना लिए हैं, 12 समोसे बनेंगे। चलिए आगे समोसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए आगे समोसा बनाते हैं। हमने इसको बेलना है। बेलते टाइम आपने कोई मैदा नहीं लगाना, कोई ऑयल नहीं लगाना, ऐसे ही बेल जाएगा। एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये, इजीली आप घर में बना सकते हैं। बस आपको जो हमने स्टेप बताए हैं वही आप फॉलो करें। जो मैदे की थिकनेस होनी चाहिए एक जैसी होनी चाहिए, ना मोटा होना चाहिए कहीं से ना पतला होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। ये आप देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसको कट करना है। सेंटर से ऐसे कट कर लेंगे। ये आप देखिए ऐसे हमने कट कर लिया। अब आगे समोसा बनाते हैं, इसको साइड पे रखते हैं। ऊपर हम पानी लगाएंगे इस साइड पे, आप देख रहे हैं ना, जहाँ से हमने कट किया था उसी साइड पे आपने पानी लगाना है, ऊपर की साइड। और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे दबा देंगे ताकि अच्छे से सील हो जाए। ये आप देखिए कितना इजी है इसको बनाना। अब हमने इसके अंदर स्टफिंग करनी है। टू टेबल स्पून के करीब ही आपने भरना है, ओवर ना फिल कर दें। हल्के से ऊपर से प्रेस कर देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पानी लगाना है चारों तरफ। और इसको ऐसे प्रेस करेंगे। ये आप देखिए कितना बढ़िया समोसा लग रहा है। एक मैं आपको दूसरे मेथड से बनाना सिखाता हूँ समोसा, जो मार्केट में मिलता है, जो प्लीट पड़ी होती है समोसे के पीछे, जो फोल्डिंग होती है, वैसे मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही बनाना है, लेकिन इसमें जो प्लीट पड़ेगी वो आप सीखिए कैसे पड़ती है। जो फोल्डिंग हमने समोसे की करनी है, जो प्लेन वाली साइड है समोसे की, वहां से करनी है। ये आप देखिए ऐसे आपने करनी है, जहां हमने ज्वाइंट किया था ये फोल्डिंग को उठा के उसके साथ चिपका देंगे, ऐसे प्रेस कर देंगे। ये आप देखिए कितना बढ़िया समोसा लग रहा है। ऐसे ही सारे तैयार कर लेते हैं, फिर हम इनको फ्राई करते हैं। समोसे हमने सारे बना के तैयार कर लिए, अब इनको फ्राई करते हैं। ऑयल हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल का टेम्परेचर मेन है, वो आपने कैसे चेक करना है, आप एक टूथपिक लेंगे, इसको डालेंगे। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बबल्स आने शुरू हो गए हैं, ये आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए।
अब हम एक एक करके समोसे डालते हैं। एक समोसा और डाल देते हैं, एक और आ जाएगा। अभी आपने इनको टच नहीं करना, अभी ऐसे ही फ्राई होने देंगे और स्लो फ्लेम पे ही आपने इनको फ्राई करना है, हाई फ्लेम नहीं रखनी। अच्छा, जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक हमने इनको फ्राई करना है। मनपसंद चटनी बनाएं अपनी, जो आपको टेस्टी लगती है उसके साथ समोसे खाएं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार, ये एकदम बाद जैसे समोसे बनते हैं। बस इनको फ्राई होने देते हैं, जैसे फ्राई हो जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे ये बने हैं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं समोसों को फ्राई होते हुए। यहाँ पे आप देखिए कितने बढ़िया फ्राई हुए हैं और कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, एकदम जैसे आप हलवाई से लेते हैं वैसे ही ये समोसे बने हैं, उससे भी अच्छे बने हैं। चलिए इनको प्लेट पे निकाल लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हमारे कहने पे आपको बहुत पसंद आएंगे ये समोसे। ये सारे निकाल लेते हैं और बाकी के भी ऐसे फ्राई कर लेते हैं। रेसिपी हमने आपको दे दी है, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, फिर अपने फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर करें ये आपको कैसी लगी। फिर हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।